स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल रिसर्च में। और हम हर बार एक नई रिसर्च के सामने आपके साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो फिर हम एक नई रिसर्च के सामने एक नई रिसर्च के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और बहुत ही अच्छा सा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने जो ऐसे कहा बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, प्लीज जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो मन मन को कोई बच्चा गाली दे देगा प्लीज, ठीक है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखो कोई भी बच्चा हंसेगा नहीं प्लीज, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। ठीक है, हम एक नई रिसर्च के साथ में जब भी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, हम आशा करते हैं प्रत्येक चीज को बहुत ही इजीली समझाएंगे। ठीक है, आप सभी आशा करता हूँ कि सभी वीडियो को बहुत अच्छे व्यूज दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अगर जो हमारी बाकी तो यह है, जैसे अभी कोई व्यक्ति है, जैसे सफलता की परिभाषाएं व्यक्ति अपने अपने शब्दों में दिया है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने अच्छा पढ़ लिख के किसी को नौकरी मिल गई तो वो क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक, हर व्यक्ति की सफलता को लेकर क्या है अलग अलग राय है, लेकिन मेरी एक ही राय है कि व्यक्ति उस दिन सफल हो जाता है जब अपनी लाइफ के निर्णय, वो अपनी लाइफ के जो निर्णय है वो स्वयं लेने लग जाता है, उस दिन वो व्यक्ति क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। बाद में तो प्रोग्रेस है, आप व्यक्ति जितनी चाहे उतनी प्रोग्रेस कर सकता है। ठीक है, अभी जो हमारे धीरूभाई अंबानी है पहले भी सफल होंगे, अगर जो मंथली 1-2 लाख कमा रहे होंगे तो हमारे समाज के अकॉर्डिंग में क्या होंगे, सफल हो गए। और आज वे करोड़ों मिलियंस में कमाते हैं तो आज भी सफल नहीं है, आज भी सफल। सफलता की परिभाषाएं प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, जब आप पढ़ोगे तो इतना अच्छा लगेगा बहुत। देखो एक टॉपिक पर खत्म कर देते हैं सारी बात। ठीक है, इसको तो सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक शब्द में क्या हो जाती है आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। आप इसका अध्ययन करो, केमिस्ट्री का अध्ययन अपने आप हो जाएगा। ठीक, दूसरा शब्द इसी में लो, अगर जो इसकी भौतिक, इसकी भौतिक स्थिति का आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं तो आपकी फिजिक्स समाप्त। बिना इलेक्ट्रॉन के आप कुछ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन आपको वहां भी पढ़ना पड़ेगा, आप प्रकाश के सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, कुछ भी चीजें पढ़ेंगे, बेसिकली निर्माण हुआ किससे, इलेक्ट्रॉन से हुआ है, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आप फिजिक्स को सिर्फ एक बात पर निर्भर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का आप बेसिकली अगर जो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का वास्तव में निर्माण कहां से हुआ, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों से चीजें बनती चली जाएगी, कुछ केमिकली रूप से बनेंगी, कोई फिजिकली रूप से बनेंगी, और फिर उनके उनके जो जो बल लगे वस्तु है, वस्तु नीचे ग्रेविटेशन लॉ है। ठीक है, ऐसा हमने कह दिया ग्रेविटेशन लॉ है, लेकिन ग्रेविटेशन उत्पन्न किससे हुआ, पृथ्वी अपनी तरफ लगा रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पृथ्वी में भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कोई भी अभी इलेक्ट्रॉन के बिना आप ना तो ग्रेविटेशन उत्पन्न कर सकते हैं, ना आप कोई सा भी बल नहीं उत्पन्न कर सकते। जहां इलेक्ट्रॉन ना हो अगर जो आप इस प्रकार से अगर जो कोई भी बल आप उत्पन्न कर दो तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति ना हो और वहां बल लग रहा हो तो मुझे बताना। आप अगर जो लकड़ियों के बीच में भी लगाओगे तो ग्रेविटेशन लगा दो, या न्यूट्रॉन का थर्ड फर्स्ट थर्ड सेकेंड कोई सा भी लो लगाओ, ठीक है नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं, हमारा जो बेसिकली
आज हम इंट्रोडक्शन कराएंगे वो किसका कराएंगे, केमिस्ट्री का। देखो केमिस्ट्री का कोई फादर नहीं है, फादर तो फिजिक्स का भी नहीं माना जाता, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को लगभग चीजें जो है उन्होंने दी है फिजिक्स को, तो इस वजह से फादर ऑफ फिजिक्स हम अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है कुछ व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है। ऐसे हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बेसिकली कोई फादर या मदर नहीं होता, ठीक है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र की सभ्यता से हुई है, किससे हुई है, मिस्र की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से क्या हुआ है, केमिस्ट्री का उदय हुआ, उसके बाद में उसको ग्रोथ करते गए, ग्रोथ करते गए, और मॉडर्निज्म में तो आप जानते ही हो प्रति एक चीज की बाल से खाल निकालने को तैयार है, ठीक है। क्योंकि शोध भी कहां तक करेंगे, जो लगभग शोध थी वे तो हो चुकी, जो नॉर्मली शोध थी वे हो गई, अब शोध में से भी शोध करेंगे यानी कि रिसर्च हम करोगे तब जाके चीजें नई नई उत्पन्न होंगी, और वे चीजें जैसे कि हमें ऐसा भी लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज आ गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज करी ठीक है, प्रोटॉन की करी ठीक है, पॉजिट्रॉन की करी, न्यूट्रॉन, बहुत सारे उनकी चीजों की खोज की, तो ये तो बेसिकली है। तो मिस्र की सभ्यता से क्या होता है, केमिस्ट्री का उदय होता है। अब चलते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी आप रासायनिक रासायनिक स्थिति का अध्ययन करो, रासायनिक स्थिति का अध्ययन, आपकी पूरी केमिस्ट्री समाप्त हो जाती है, बाकी तो आप प्रोग्रेस करोगे। इलेक्ट्रॉन को इस अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ डाला, दूसरे के साथ डालेंगे तो नया पेयर बन जाएगा, फिर उन दोनों को तीसरे के साथ डालेंगे नया पेयर, एक नई नई इस प्रकार से नई नई चीजों की खोज होती चली जाएगी। जैसे शुरू में आपके बहुत कम तत्व ज्ञात तत्व थे, इस समय पर काफी तत्व आपके ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहीं से आती है और कहीं से नहीं आती, ठीक है। आगे चलते हैं बेसिकली, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का चक्कर है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कहां से आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपकी ये लगभग सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन और भी बहुत सारे छोटे तत्व हैं उनको मान लिया गया है, जैसे पॉजिट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, काफी सारे हैं। तो जैसे न्यूट्रॉन होते हैं आपके, तो आपका बेसिकली ये क्या होता है, आपका एटम होता है, क्या होता है एटम, आपका बेसिकली क्या है एटम, एटम, एटम मतलब आपका क्या होता है परमाणु। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है, ये रहता कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आपका बेसिकली निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, एक परमाणु होता है, परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर क्या होते हैं आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे आपका क्या होता है माइनस चार्ज होता है बेसिकली। लेकिन बेसिकली जो आपका प्लस और जो निगेटिव चार्ज होता है, प्लस और माइनस साइन जो हम देते हैं वो इस वजह से देते हैं क्योंकि प्रोटॉन का वहां पर कोई यूज नहीं होता, लेकिन ये आपका क्या हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है, अभी सपोज दैट ओ के ऊपर कितना, बेसिकली हम प्रश्न कर रहे हैं ओ के ऊपर कितना चार्जेस होते हैं माइनस के, तो एच के ऊपर कितना होता है प्लस के, बेसिकली होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर जो हम ओ एच के ऊपर देखें तो माइनस का एक चार्ज होता है, कैसे, तो ये क्या हो जाता है बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट जब होंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी कि ये डिफ्यूज हो जाएगा इससे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही बचेगा आपके पास बेसिकली माइनस वन। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, अब इस पर क्या है प्लस का एक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने बात कही वो क्या कहेंगे कि प्लस चिन्ह तो किसको होता है प्रोटॉन को होता है, तो उसको प्रोटॉन थोड़ी ना कहेंगे, ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो आप इलेक्ट्रॉन, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका क्या पॉजिटिव होता है क्या निगेटिव होता है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन को
प्यार भरा तो उसमें क्या हो रहा है ना, ऋण आवेश हो जाता है, सॉरी ग्रहण कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन को प्यार भरा है, कोई तत्व कोई एलिमेंट, तो उसमें क्या आ जाता है आपका प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो थी नॉर्मल बेसिकली बातें जो एटम्स ने आपको मिलकर बनी थी। देखो चीजें कभी भी आप पढ़ो तो इमेजिनेशन जरूरी है, विदाउट इमेजिनेशन नो स्टडी। आप स्टडी करोगे तो समझ नहीं पाने चीजों को। आप क्या करो बेसिकली उसका इमेजिनेशन करोगे, इमेजिनेशन जरूरी है। अगर जो न्यूटन को, न्यूटन ने जो लॉ दिए है या ग्रेविटेशन लॉ न्यूटन ने दिया है, तो बेसिकली उसने इमेजिन किया होगा पहले, या उसके सामने एप्पल गिरने की कहानी सुनाते हैं, उसके सामने एप्पल गिरा, उसने देखा है कैसे गिरा, तो ये बात उसने बाद में समझ ली। लेकिन जब उसमें गिरा तो उसके बाद में उसके मन में थॉट आई, तो उस थॉट को उसने इमेजिन 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 करते करते क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो उसने इमेजिनेशन करके बहुत सारी चीजें भी क्या की, बहुत सारी चीजों की खोज की। और एक स्टूडेंट के अंदर इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है, वरना तो इलेक्ट्रॉन किसी ने देखे नहीं, बेसिकली हम देख नहीं सकते क्योंकि बहुत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म कण है आपके, अति सूक्ष्म पार्टिकल्स है। ठीक है, तो जब आपके ये तो आपका क्या है, बेसिकली परमाणु है। अभी हमारे पास कोई सी भी चीज है, अगर जो बेचारा मारकर भी फंस जाता है कई बार, क्योंकि अक्सर जब भी आता हाथ में ये होता है तो एग्जाम्पल के तौर पर चाहिए ना पड़ता है। जैसे हमारा क्या मार्कर है, तो मार्कर अगर तो फिजिकली रूप से आप इसको देखेंगे तो फिजिक्स सपोज दैट आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या से देखेंगे, जो फिजिक्स से पढ़ेंगे हम, ये गोलाकार है, अनुप्रस्थ काट का इसके पास क्या क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ से गोलाकार है, ठीक, इसमें क्या बोलते हैं उसको परिधि वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखेंगे, इसका बाका प्रस्थ है, ये फिजिक्स देख लेना इस बात को। अगर जो लंबा लेंथ ही में है तो लेंथ में है तो किस प्रकार से बल लगाएगा, ठीक है, गोल होता तो किस प्रकार से लगाता, और ये वर्गाकार आयताकार होता तो किस किस प्रकार से फोर्स लगा सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं अपने परमाणु की ओर। तो इस ये क्या है, केमिकली बॉन्ड से आपका जुड़ा हुआ है नॉर्मली। और अगर जो आप इमेजिनेशन करोगे तो इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के द्वारा जुड़ी हुई दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज को ले लो वो किसी ना किसी एटम या परमाणु से जुड़ के मिलकर बनी हुई है, और वे एटम और परमाणु आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक बेसिकली एक परमाणु बनता है। ठीक, जैसे ट्रेन है, ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन होता है, एक पीछे क्या होता है गार्ड्स का डब्बा होता है, बीच में आपके क्या होते हैं सारे डब्बे होते हैं। डब्बे भी कई प्रकार के, एसी नॉन एसी, ठीक है, जनरल स्लीपर्स, कई भागों में डिवाइड होते हैं इसी प्रकार से, तो वो एक पूरी पूरी क्या होगी, ट्रेन होगी। तो इसी प्रकार से हमारा क्या होता है, बेसिकली परमाणु होती है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई होती तो क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और भी होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटी इकाई होती परमाणु को ही माना जाता है। ठीक है, यहां से हम शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की उत्पत्ति की। अब हम आगे चलते हैं, जब बहुत सारे परमाणु एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, बेसिकली अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और अणु जब बहुत सारे अणु जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं तो एक छोटे से क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रवे बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती, अणु भी लगभग बहुत ही क्या होता है, सूक्ष्म भी होता है, ये भी लगभग दिखाई नहीं देता, लेकिन माइक्रोस्कोप या किसी विशेष परिस्थिति में, जैसा हमने देखा होगा सूर्य के प्रकाश में मिट्टी के होते कण अणु जैसे दिखाई देते हैं, अणु ही होते हैं बेसिकली। जब आपको अणु की या पदार्थ की पोलैरिटी अवस्था आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो 10 की पावर माइनस के 7 से 10 की पावर माइनस के 15, सॉरी 10 की घात 7 से 10 की घात 15, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के परास्तक, 10 की घात 15 के परास्तक के जो अणु होते हैं वो कोलाइडी कण कहलाते हैं। कोलाइडी पदार्थ की एक अवस्था है, न कि कोई कण,
ठीक है, पोलाइटीकरण नहीं होता, वो पदार्थ सॉरी अणुओं की क्या होती है, अवस्था होती है। जैसे बेसिकली इस अवस्था में है ठीक, लेकिन किसी दूसरी अवस्था में जाएंगे तो अलग प्रकार से दिखेंगे, टीचर है तो अलग प्रकार से दिख रहे हैं, घर पर गए अगर जो अभी का काम किसान है तो एक बेसिकली दूसरे रंगों में आप होंगे, ठीक है, आपका नेचर भी आपकी प्रकृति क्या होगी चेंज होगी। तो बेसिकली बात है कि हम चीजों को क्या एक इमेजिनेशन थॉट पर आप पढ़ेंगे। और क्रिस्टल के बाद में आपका जब बहुत सारे क्रिस्टल एक जगह मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, पदार्थ, पदार्थ, ठीक है। तो हमारे मार्कर में भी क्या होगा, एक परमाणु होगा, वो परमाणु जैसे पॉलीथीन के जो परमाणु होते हैं प्लास्टिक वाले, ठीक है नहीं, तो ये आपस में क्या परमाणु उनका अणु बनाया हुआ, अणु बनके क्या बनाया हुआ उन्होंने, क्रिस्टल बनाया हुआ, क्रिस्टल बनके एक पदार्थ का निर्माण किया, और पदार्थ से हमने किसका निर्माण कर लिया, बेसिकली एक मार्कर, ठीक है। जैसे आपके पास चौक है, बेसिकली जो चौक का यूज करते हैं वो होता क्या, बेसिकली CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम H2O की क्रिया करा देते हैं, क्या करा देते हैं, H2O की हम क्रिया करा देते हैं, तो बेसिकली CaOH का होल ट्वाइस आपका बन जाता है, ठीक है नहीं, बुझा हुआ चूना, यह आपका क्या है, बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा है, और जल से क्रिया करा देंगे तो बुझा हुआ चिकना चूना बन जाता है, और उसको फिर हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग सांचों में कलर डाल के हम क्या बना देते हैं, चौक बना देते हैं। तो ये उसकी केमिकली वो क्या, ये क्या आपकी केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये आपस में जुड़े, आखिर जुड़े ही क्यों, ये इसी से क्यों जुड़ा भाई, CaOH का हॉट वाइज क्यों बना, बेसिकली ये प्रश्न हमारे पास होने चाहिए, और हम इमेजिनेशन थॉट पे इन चीजों को कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते, या बहुत सारे व्यक्ति जो IIT नीट देते हैं, IIT JEE देते हैं, तो वो नहीं पढ़ते, बेसिकली पढ़ते हैं और वो भी हार्ड उस पर जाकर के पढ़ते हैं, तो उनके पास कहीं और सब दिमाग आए नहीं, लेकिन चीजों को उन्होंने अपने तरीके से ज्यादा बेटर समझने की कोशिश की, ठीक है। तो आप ये अगर समझोगे तो चीजें आसान है, इतनी मैं नहीं है कि इतनी कॉम्प्लिकेटिव हो, इतनी डिफिकल्ट हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है नहीं। पदार्थ का निर्माण यहां से होता है, ठीक है, तो पदार्थ का निर्माण जब यहां से होता है तो अब हमारे पास एक पदार्थ आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया आपका पदार्थ, ठीक। अब वैसे कि हम पदार्थ को देखते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटोन अभी इनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि इनके बिना केमिस्ट्री चलेगी, अभी मैंने शुरू में बता दिया, तो याद तो हमें इनको करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही इसी दिन में हम इन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। देखो पदार्थ है आपका, पदार्थ मतलब मैटर, ठीक है, अणु होता है हमारा, परमाणु आपका एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो गए, आपके अणु हो गए, इस तरह से जो क्रिस्टल होते हैं आपके, ठीक, पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे, और मैटर्स बना लेते हैं पदार्थ। अब पदार्थ की कई अवस्थाएं होती है, ठीक है, पदार्थ की बेसिकली पांच अवस्थाएं आपको देखने को मिलती है, एक तो ठोस हो गया, एक द्रव हो गया, एक गैस हो गया, और गैस की दो अवस्थाएं और होती है, जो BEC होती है, ठीक है, बोस आइंस्टीन जो स्टेट होती है, BES होती है, बोस आइंस्टीन स्टेट, एक आपकी प्लाज्मा होती है। तो पांच अवस्थाएं बेसिकली आपकी क्या होती है, पदार्थ की होती है। अब ये आपको कई प्रकार से मिलेगी, ठोस अवस्था कहीं भी मिलेगी, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं का वो कर लेंगे, लेकिन अवस्था भी आपकी आए कहां से, इलेक्ट्रॉन सी आ रही है ना अभी, तो बेसिकली हमें पढ़ना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पढ़ना होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर आपको पढ़ना है। अब ये पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं ये हम आपके साथ में चलते हैं, ठीक है। अब ये जो कोई भी हमारा जो पदार्थ है, पदार्थ को तो बेसिकली आप जानते हैं, सपोज दैट आपने कार्बन ले लिया, कार्बन छोड़ो या कार्बन भी ले लो, CO2 ले लिया आपने, ठीक, CO3 ले लिया, एक आपने क्या ले लिया, H2O ले लिया। नॉर्मली आप अगर जो चीजों को इजिली पढ़ते हो तो इजिली समझ में आती, आप जो अरे केमिस्ट्री है, फिजिक्स मैथ है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, जिसने किताबें बनाई उनके पास भी 1.5-1350 से 1500 ग्राम का ही क्या था,
सल था, ऐसा नहीं कि उनके कोई अलग से सील लगे हुए थे या कुछ ऐसा, बेसिकली ऐसी कोई बात वहां पर नहीं थी। ठीक है, तो हम चलते हैं फैस्ट। ठीक है, अब ये जो आपके पदार्थ हैं, पदार्थ बेसिकली एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों है, ऐसा क्या हुआ है तीसरा, जो हाइड्रोजन जल से जुड़ा, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा और इसने जल का निर्माण कर लिया, और किसी से भी जुड़ सकता था, तो और किसी से भी जुड़ा, ऐसा नहीं है और किसी से भी जुड़ा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी जुड़े, और किससे जुड़े, कार्बन से भी जुड़े, इसने कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, इसने क्या बना लिया, कार्बन ट्राइऑक्साइड बना लिया इसने, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, बनता है बेसिकली, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, एक नवजात ऑक्सीजन भी होती है, क्या होती है आपकी नवजात ऑक्सीजन जो खाली वो मानी जाती है, ठीक है, एक आपका क्या होता है O2 जो आपका क्या होता है ऑक्सीजन होता है, और एक आपका क्या होता है O3 होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ओजोन। तो जो हमारे एलिमेंट है, जो हमारे तत्व है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आखिर इनकी क्या मजबूरी थी जो एक दूसरे से क्या हो जुड़े, क्या इनके बीच में फोर्स लगे, ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, जब आपका कोई एक सा ही पदार्थ बनेगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अगर जुड़ता है, ठीक है, तो यहां पर क्या बना देगा, H2 बना देगा, बेसिकली बना देगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन में एक बैलेंस होती है, बताना बैलेंस क्या होती है, ये भी हमारा क्या होता है एक होता है, तो हमारे क्या होता है H2 बन जाता है, लेकिन ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन, तो यहाँ कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये एक से जुड़ सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाले हो चाहे वो निगेटिव वाले हो, लेकिन अगर जो ये किसी नए पदार्थ का है निर्माण करेंगे, जैसे कार्बन O2 से जुड़ा, उसने क्या बना लिया CO2, तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, कार्बन पर आप प्लस के चार होते हैं, ठीक, और एक ऑक्सीजन पर माइनस के दो, तो दो ऑक्सीजन पर कितने हो गए माइनस के चार, ठीक है, तो अगर जो वही एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो 100% वो पॉजिटिव और निगेटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर एक नए पदार्थ कभी नहीं बना सकते, अगर जो एक नया पदार्थ बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, ठीक है, अगर जो किसी नए एक डिफरेंट पदार्थ का जो निर्माण करेंगे तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। अब ये मत कहना कि ऑक्सीजन जुड़ कर O2 बना लेती है और एक और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना लेती है आपकी O3 ओजोन बना लेती है, लेकिन ओजोन भी हमारे क्या होती है जैसे कि ऑक्सीजन ही होती है, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या है सिर्फ इनकी अवस्था है परिवर्तन, ये नवजात ऑक्सीजन होगी ये ऑक्सीजन होगी, इसको हम यूज में नहीं ला सकते, इसको हम यूज में ला सकते हैं मतलब सांस लेने के पर्पज, यहाँ पर क्या है सांस लेने का है, आपको करागर जानते नहीं सोचना, और इसका क्या है इसका पर्पज है बेसिकली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए, अगर जो मनुष्य और जो लेगा तो 100% क्या होगी आपकी नुकसान लायक होगी, ठीक है। अब चलते हैं, तो अभी कितने किन किन चीजों के द्वारा जुड़ी रहते हैं, देखो एक तो हमारा होता है जो हमारा परमाणु है, तो परमाणु से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है वैलेंस बल होता है, तो ये तो आपका होता है परमाणु भार, और ये आपका क्या होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये आपका एटॉमिक वेट होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, हर तौर प्रत्येक परमाणु का एक कोई ना कोई नंबर होगा, वो डिपेंड करता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित है, उन वजह से इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक होते हैं। अब कुछ चीजें बेसिकली आती है हमारी, जैसे कुछ परिभाषाएं हम यही क्लियर कर देते हैं, जैसे संभारिक है संभारिक, ठीक है, एक होता है हमारा समस्थानिक, ठीक, एक होता है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक
सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम एक हमारा क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक होता है। देखो संभारित्र में तो क्या होता है कि जिनके ठीक जिनके परमाणु भार तो क्या हो समान हो लेकिन परमाणु के मात्र क्या हो भिन्न भिन्न हो तो वे हमारे क्या कहलाते हैं आपके संभारित कहलाते हैं। ठीक है फिर आते हैं सॉरी जिनके परमाणु भार क्या हो समान हो परमाणु के मान क्या हो भिन्न भिन्न हो। जैसे एग्जाम्पल में दोनों भी हाथ हाथ ही समझ लेते हैं जैसे आर्गन आर्गन का कितना होता है 18 परमाणु भार कितना होता है 40 ठीक है आर्गन होता है आपका एक होता है पोटेशियम का कितना होता है 19 परमाणु भार 40 ठीक एक होता है आपका कैल्शियम परमाणु भार 40 परमाणु क्रमांक 20। तो देखो परमाणु क्रमांक आपके क्या है भिन्न भिन्न है और परमाणु भार आपके क्या है सबके समान है। तो इस प्रकार के तत्वों को इस प्रकार के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं संभारित बोलते हैं। ठीक है अब चलते हैं समस्थानिक की ओर। ठीक है तो समस्थानिक हमारे क्या होते हैं वे एलिमेंट्स होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे 1H1, 1H1, 1H2 और 1H3 ठीक है ये क्या होता है तुम्हारा प्रोटियम ये आपका क्या होता है प्रोटियम ट्राइटियम। ठीक है इस प्रकार से ये आपके इनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक ये आपने क्या है समस्थानिक है फिर आप क्या रखते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है तो इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं वे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉन जिसमें जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं समान होते हैं तो उन एलिमेंट्स को हम सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे और जिनमें न्यूट्रॉन समान हो उनको सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। ठीक है तो ये बेसिकली कुछ परिभाषाएं थी इनको यही समझाने की हमने कोशिश की। अब चलते हैं आगे तो ये तो आपका परमाणु भार परमाणु क्रमांक आपका हो गया। अब आगे चलते हैं कि एक दूसरों से एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ते हैं। अब इसमें कुछ तो होते हैं आपके बांडर वाल बल्स बांडर वाल्स बल। ठीक है कुछ आपको क्या होता है बांडर वाल्स फोर्स होते हैं जिनके कारण हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है एक आपका और आपके होते हैं बॉन्ड बॉन्ड यानी कि बंध बंध क्या कहते हैं या आबंध भी इनको बोलते हैं। ठीक है बंध कह दो या आबंध कह दो दोनों का बेसिकली मीन